फ्रेंड, ये विंड मिल व्यू पॉइंट है जो कि सिन्नर सिटी पे पड़ता है और ये लगभग नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप इगतपुरी के साइड से आ रहे हो तो लगभग आपको 55 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो पूरा ग्रीन मिलेगा, जो कि यहाँ पे खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। आप जिधर भी देखो पूरा हरियाली ही हरियाली है और दूर दूर तक केवल खेत हैं और माउंटेंस हैं। और जो ये जो विंडमिल है ये एक जगह पे नहीं है, ये पूरे एरिया पे ये विंडमिल बहुत सारे लगे हुए हैं। आप इधर के साइड पे देखो जो कि बहुत ज़्यादा विंडमिल दिख रहे हैं, हमारी नज़रों में आ रहे हैं। मैं ऐसे काउंट करके लगभग 10 तो मुझे इधर से ही दिख रहे हैं। और अगर आप इस साइड पे जाओगे तो यहाँ पर भी देखो कि 2 विंडमिल्स दिख रहे हैं। और हम लोग जो पॉइंट हैं यहाँ पे, तो एक सामने पे खड़ा हूँ इसलिए बहुत बड़ा विंडमिल आपको दिख रहा होगा। और इसके जो पंखे हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जो कि मैं अराउंड 100 मीटर के डिस्टेंस पे भी हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। सामने में जब विंडमिल के सामने में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और जो फैन है बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े फैन जो लगे हुए हैं ये इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं, तो यहाँ जो वायु का प्रेशर होगा, जो हवा का जो यहाँ पे दबाव है वो कितना ज़्यादा होगा। और ये जितने भी विंडमिल लगे हुए हैं ये स्विट्ज़रलैंड के हैं यहाँ पे, तो ये शॉट को लेने के लिए मुझे बहुत दूर आना पड़ा ताकि मैं ये विंडमिल को पूरा ले सकूं। तो बहुत ही अच्छा एरिया है, जो खेत है उसमें बहुत तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। तो मैं जैसे जैसे नज़दीक आ रहा हूँ मुझे एंगल चेंज करना पड़ रहा है, ऊपर की ओर ले जाना पड़ रहा है ताकि मैं विंडमिल को कैमरे में ले सकूं। तो बहुत ही अच्छा जगह है ये, विंडमिल से जो भी पावर जनरेट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जिस पे जो भी वहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है वो वायर के थ्रू, इसके अंदर से वायर आई है, इस वायर के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में एनर्जी आ रही है और यहाँ से ये ट्रांसमिट होके इधर से आप वायर देख रहे हो तो वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट होके आगे की तरफ जा रही है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और दूसरी बात कि ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है ये बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से जनरेट हो रही है, जो हवा है उसके प्रेशर से जो फैन घूम रहा है उस फैन के घूमने से ये एनर्जी जनरेट हो रही है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। बहुत ही शांत एरिया है यहाँ पे, कोई ज़्यादा क्योस नहीं है, लोग बहुत कम हैं यहाँ पे। जो ये रोड से लगभग 1/2 किलोमीटर अंदर की ओर है, जो कि यहाँ प्रॉपर रोड नहीं है तो आपको ऐसे रोड से ही आना पड़ेगा। रोड बनी हुई है लेकिन ऐसा भी रोड नहीं है कि हाईवे की तरह एकदम प्लेन हो, बट मैं तो बाइक से आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग कुछ बहुत कार से आए थे जो कि उधर ही, जो आपको एक वाटर टैंक दिख रहा है वहीं पे लगाए थे और वहाँ से फिर पैदल आके यहाँ पे उन्होंने थोड़ा यहाँ का सी साइड किया एंड चले गए। तो बहुत अच्छा जगह है, आप आना चाहते तो आ सकते हो, खासकर बरसात के जो मौसम है मानसून में वो सराउंडिंग्स बहुत ही ग्रीन होती है, तो ये जो टाइम है आने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है।
आवाज अभी यहाँ सुन पा रहे होगे, नजदीक से कितना ज्यादा आवाज आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो शैडो है वो भी काफी मजेदार है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और दिखते बहुत स्लो है, लगता है कि बहुत ही कम स्पीड में घूम रहे हैं, बट एक्चुअली जो फैन के घूमने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इनके लेंथ इतने बड़े हैं कि इतने बड़े विंग्स को घुमाने के लिए कितना पावर लगता होगा आप थोड़ा सोच सकते हो।